दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, UP SSSC के तहत लेखपाल रिजल्ट को लेकर आप सभी की मांगे तेज हो गई हैं। लगातार आप पूछ रहे हैं कि आखिरकार UP SSSC के द्वारा कराई गई लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हमारे बीच में कब तक घोषित होगा। नीचे यहाँ देख पा रहे हैं लेखपाल व वीडियो के लिए धरना स्थल से बिल्कुल लाइव। हमने आपको कल वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया हुआ था कि आज की डेट में जितने भी लेखपाल कैंडिडेट हैं उनकी मांगे हैं कि रिजल्ट घोषित किया जाए। और जो वीडियो के अभ्यर्थी हैं, यानी अगर इस वीडियो भर्ती की बात करें तो जो 2018 में जो भर्ती परीक्षा आपकी कराई गई थी वह भर्ती परीक्षा आपकी पूरी तरह से रद्द कर दी गई। इन दोनों कैंडिडेट लेखपाल व वीडियो के लिए एग्जाम वाले बिल्कुल आज के इस धरना स्थल में अपने एक सहभागिता अवश्य दें। नीचे यहाँ देख पा रहे हैं लिखा गया है अभ्यर्थियों की सिर्फ एक सूत्री मांगे हैं। बिल्कुल कौन सी क्या चीज़ मांगे हैं आगे हम चर्चा करेंगे। री एग्ज़ाम व रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट और यहाँ धरने की वर्तमान स्थिति क्या है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दूर दराज से जो है बिलोंग करते हैं वो इस धरना की स्थिति में नहीं आ सके हैं, तो उनके लिए पूरी तरह से लाइव अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा अगर आप लेखपाल कैंडिडेट हैं वह वीडियो के अभ्यर्थी हैं तो बिल्कुल आपको इस धरना स्थल पर जरूर आना चाहिए। यहाँ देख पा रहे हैं जरूरी सूचना के तौर पर कहा जा रहा 28 फरवरी UP SSSC आयोग से लो वीडियो री एग्जाम डेट घोषित करवाने के लिए। और यहाँ देखिए स्थान दिया गया है पिकअप भवन UP SSSC आयोग सुबह 10 बजे। बिल्कुल वर्तमान समय की स्थिति हम आपसे बात करें तो सुबह के 10:15 बज रहे हैं। 10:15 बजे से हम धरना स्थल से बिल्कुल लाइव स्थिति में आपसे बात कर रहे हैं। अगर हम इस धरना की स्थिति में बात करें तो लगभग आपकी जो उपस्थिति रही है वह बिल्कुल ना के बराबर रही। अगर जैसे में हम वीडियो की बात करें तो लगभग 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इस लेखपाल में हम बात करें तो लगभग यह मानकर चलिएगा कि 2,12,000 के आसपास में इस लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। तो ऐसे में हम एक संभावित आंकड़ा मानकर चलते हैं कि 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की यह धरना है। लेकिन आपकी स्थिति जो है वह अगर देखा जाए तो 5,000 अभ्यर्थी अभी भी धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। अगर देखा जाए स्थिति आपकी यही रही तो जो लेखपाल भर्ती का रिजल्ट है वह कहीं ना कहीं आगे खिसकता हुआ चला जाएगा। और वीडियो के खास करके हम बात करें, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 2018 से आज तक सिर्फ और सिर्फ वीडियो के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। उनके मांगे हैं वो लगातार घर बैठकर मांग करते हैं या वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं कि भैया जल्दी से जो है वीडियो का री एग्जाम कराया जाए। ऐसी स्थिति रही है तो बिल्कुल अभी आपने 4-5 साल इंतजार किया और भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए जो आपकी एक सूत्री मांगे हैं लेखपाल भर्ती के जितने कैंडिडेट हैं वो रिजल्ट को लेकर मांग कर रहे हैं। और यहाँ अगर हम बात करें वीडियो के अभ्यर्थी, उनका एक ही मांगे हैं कि जल्द से जल्द वीडियो का री एग्ज़ाम कराया जाए। धरने की वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो आपकी उपस्थिति जो है वो नगण्य है। यहाँ धीरे धीरे अभ्यर्थी जो है एकत्र हो रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 1 घंटे इंतज़ार किया जाएगा कि कितने अभ्यर्थी जो है इस धरना में जो है उपस्थित हो पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति आप अपनी दर्ज कराइए। जो नज़दीक एरिया के अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल मैं निवेदन करूँगा कि वो धरना स्थल पर जरूर आएँ, क्योंकि आपकी संख्याएँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी हम आप उतनी बेहतर से बेहतर स्थिति में पहुँच पाएंगे। और यह मानकर चलिएगा जितनी स्थिति आपकी ख़राब होगी, यानी जितनी संख्याएँ आपकी कम होंगी उतना हम एक गड़बड़ी तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे और आप में जो है एकजुटता नहीं है। हम आप जब तक एक सूत्री मांग को लेकर एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारे और आपके इस वीडियो बनाने से कोई मकसद नहीं निकलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं बस लास्ट में आपसे कहूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी अभी भी सोच रहे हैं घर से निकले कि ना निकले, अब दूर वाले को तो बात छोड़ दीजिए, जो नजदीकी में है 1-2 घंटे में अगर पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल मैं निवेदन करूंगा कि वो धरना स्थल पर पहुंचे, ठीक है। अब कहां चला जाएगा UP SSSC आयोग, आप सभी को चलना है वहां पर, क्या कुछ कैसे होता है, अपनी मांग को जो है शालीनता से रखना है। जो भी होगा जैसा भी होगा चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।